नहीं लगा हूँ मैं यार। ये जो है सात भाई की बेहतरीन किस्म की जो है मेहनत है, आप सब देख सकते हैं, चिकन भी है और अभी और वो ग्रिल ले जाना बेहतरीन। डिवाइडर में रखी हुई। सात भाई कितना टाइम लगा इसमें? इसमें तकरीबन ये इसको बनने में लगा तकरीबन 12 बजे तक इसको जो है ना काम लगा, सुबह 10 बजे से 2 घंटे इस पर लगाएंगे। अच्छा, मसाले कौन से यूज़ किए भाई? शान के मसाले हैं और अपने घर के भी मसाले हैं, ज़्यादातर अपने घर के। चले खा के देखेंगे कैसा है, फिर आपको टेस्ट बताते हैं। तुम भी शान भाई बोटियाँ लगा पढ़ा जाए, और ये बोटियाँ जो है पतली वाली सीखों में हम लगाते हैं और नरम अभी से लग रही है और मसाला बहुत लजीज और ज़बरदस्त लग रहा है, तो ये खाएंगे तो पता चलेगा कि इसका मज़ा कैसा है। लेकिन जो है फुल मैरिनेट हो चुकी है बोटी ज़बरदस्त तरीके से। एक सीख में कितने लगाएं साथ? बस चार लगाएं, चार बोटियां लगाएं, पांच लगाएं, ज़बरदस्त। पंखा चलाओ, जी शोएब भाई क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसा लग रहा है आपको? ये चिकन ग्रेवी तो सही है, ये हमारे साथ भाई हैं जो पलटने में मदद कर रहे हैं हमारे। अच्छा जी, बारबी क्यू हमारी चल रही है और आपको सब पता है कि बारबी क्यू के अंदर सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो होती है पराठे लेके आना, और आपको पता है हर कोई एक दूसरे के ऊपर जो है वो डालना होता है कि यार तुम ले आओ तुम ले आओ। तो अभी हम वही मुश्किल काम करने के लिए आए हैं, पराठे लेने के लिए आए हैं अभी हम यूपी मोड़ की तरफ, और ये जो पराठे लेने की जिम्मेदारी है वो हमारे ज़िम्मे आ गई है। तो अभी फौरी उठाने के लिए हम आए हैं पराठे लेने के लिए, देख सकते हैं पीछे पराठे बन रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है जिसकी वजह से हमें यहाँ साइड पर खड़े का बोला ही है, तो वही पराठे लेते हैं फिर चलते हैं। पराठों में तो अभी टाइम लगेगा, तो शुएब भाई ने जो है वो कहा कि क्यों ना जूस पिया जाए, तो अभी हम ये जूस पीने के लिए आए हैं। शुएब भाई कौन सा जूस मंगा रहे हैं? ग्रेपफ्रूट जूस मंगा रहे हैं, देखते हैं कि क्या टेस्ट है, फिर आपको बताते हैं। अच्छा मामला से मैंने कुछ दबान करके कर दिया हूं। आओ आओ, सारा खा लेंगे तो सारा।